एएसपी शहर बानो नकवी की शादी होने जा रही है, लेकिन दूल्हे राजा कौन है, क्या करते हैं और हनीमून पर दोनों कहां पर जाएंगे और हक महर पे क्या लिखवाया जाएगा, जबकि वलीमा जो है वो एक मर्तबा होगा या दो मर्तबा, ये तमाम तफसीलात हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। इचरा बाजार में कैलीग्राफी वाला सूट पहनने वाली खातून को हजूम से बचाने वाली दबंग एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी की शादी की तैयारियां जो है वो इस वक्त जोरों शोर से जारी है। सैयदा शहर बानो नकवी की शादी जो है वो मंडी दिन के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन सैयद अश्तर नकवी के साथ हो रही है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर में जो रॉयल स्विस होटल है सैयद अश्तर नकवी उसके भी मालिक हैं। लेकिन इसके अलावा जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि सैयद अश्तर नकवी जो है उनके कई पेट्रोल पंप्स भी हैं। इनका रिश्ता जो है वो 2 साल पहले ही पक्का हो चुका था और 2 साल पहले ही इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी, जबकि अब 13 रजब को इन दोनों का जो है वो निकाह हुआ है। इसके बाद अब शादी की तैयारियां जो है वो उनकी जोरों शोर से जारी है। इसके साथ ही इनकी जो कवाली नाइट है वो भी हो चुकी है। अब रह गए मेहंदी बारातों और वलीमे के इवेंट्स, उनकी तैयारियां और तमाम चीजें जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। वलीमे के इवेंट्स के बारे में अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि ये 2 इवेंट्स होंगे। इनका जो वलीमा है वो लाहौर के रॉयल स्विस होटल में होगा जिसके सैयद अश्तर नकवी खुद मालिक है। इस वलीमे में कहा जा रहा है की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो है उनको इन्विटेशन कुछ को भेज दिए गए हैं। 28 अप्रैल को ये वलीमा होगा जिसमे मशहूर मारूफ एक्ट्रेस और एक्टर्स को भी बुलाया गया है, जबकि क्रिकेटर्स को भी दावत दी गई है। अब एक तो हो गया ये वलीमा जो कि लाहौर में किया जाएगा, लेकिन दूसरा वलीमा कहा जा रहा है कि सैयद अश्तर नकवी जो है वो अपने अबाई शहर मंडी बहाउद्दीन में करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हक महर में क्या दिया जाएगा। तो जनाब सैयदा शहर बानो नकवी और सैयद अश्तर नकवी की जो शादी है उसके हक महर में हज या फिर उम्रा लिखवाया जाएगा, यानी सैयद अश्तर नकवी जो है उनको हज पर या फिर उम्रे पर लेकर जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये बताते चले कि एएसपी सैयदा शहर बानो नकवी को अपने महकमे से अपनी खुद की शादी के लिए 20 छुट्टियां मिली हैं। शायद ये थोड़ी कम छुट्टियां हैं, कुछ तो उनकी शादी की तकरीबात में ही गुजर जाएंगी, कुछ उसके बाद हो सकता है कि शादी की दावतें भी होती हैं उसमें गुजर जाएं। तो इसलिए अभी तक उन्होंने ये कंफर्म नहीं बताया है ना कि वो हनीमून पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि छुट्टियां जो है एएस शहर बानो उनको बहुत कम मिली है। ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि वो हनीमून पर किस शहर या फिर कौन से मुल्क में जो है ये टाइम ना स्पेंड करेंगे। इसके साथ ही जो सऊदी गवर्नमेंट है हमारी, उनकी जानिब से भी सैयदा शहर बानो नकवी को हज का जो इनविटेशन है वो दिया गया है। अपनी शादी के बाद जैसे ही हज का महीना आएगा तो सैयदा शहर बानो नकवी जो है वो हज करने जाएंगी, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि सैयद अश्तर उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि प्लान तो मेरा यही है और मेरा ज्यादा जो है यही रहेगा इरादा, मैं इनके साथ जाऊँ, लेकिन अब देखते हैं वो हज पे अकेली जाती है या फिर अपने शोहर के साथ। अब जनाब ये हमने बताया कि ये तीनों मेहंदी बारात और वलीमा, तीनों इवेंट जो है उनकी तैयारियां इस वक्त लाहौर में जोरों शोर से जारी है। ये आपको बताते चले कि मेहंदी और बारात का इवेंट जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तसर रखा गया है। इन दोनों फैमिलीज के रिश्तेदार हैं उन्हीं को बुलाया गया है, जबकि वलीमा जो है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड करने का सोचा गया है। उन्होंने प्लान किया है कि उस वलीमे में सबको बुलाया जाएगा, जितने भी दोनों के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और जितनी भी मारूफ शख्सियत हैं उनको इस वलीमे में दावत दी जाएगी।